उपस्थित सफाई कार्य से जुड़े हुए सभी नगर निगम से जुड़े हुए कर्मीगण भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इन सभी सफाई कर्मियों का हृदय से स्वागत करता हूं, जो लोग पूरी तन्मयता से अपनी पूरी ताकत के साथ लग करके न केवल प्रत्येक घर को बल्कि नगर को भी स्वच्छ और सुंदर बना करके स्वयं की चिंता के बगैर अन्य लोगों के लिए स्वच्छता के एक नए मानक को स्थापित करते हुए लोगों के स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देते हैं। ये सचमुच आप सभी स्वच्छता कर्मियों के ही परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि भले ही आपका स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन सामान्य जन के स्वास्थ्य को, नगर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ स्वच्छता कर्मियों के यहां पर सम्मान के साथ किया है। महापौर जी ने और नगर आयुक्त ने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये लोग अक्सर इन लोगों का नाम छुप जाता था। स्वच्छता अभियान के नींव के पत्थर है और इनकी आवाज दब जाती थी, ये सम्मान नहीं पा पाते थे। लेकिन देर से ही सही नगर निगम ने इन्हें सम्मान दिया है। मैं इसके लिए नगर निगम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 40 वर्षों से करा रहा था एक बीमारी से, और वर्ष यहां के 1200 से लेकर 1500 2000 बच्चे और समय काल कलवित होते थे दिमागी बुखार से। हर वर्ष ये सिलसिला चला रहा था। 1977-78 से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 तक निरंतर चलता रहा, 40 वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश को एक नया मंत्र दिया, स्वच्छ भारत अभियान का। स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में प्रत्येक नागरिक की आत्मा को झकझोरने वाला और स्वच्छता के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने का ही एक पवित्र अभियान था। और उस अभियान का परिणाम क्या रहा कि नगर निकाय और हर ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों में व्यापक जागरूकता आई, तो उस जागरूकता का परिणाम भी हम सब के सामने देखने को मिला। कैसे परिवर्तन हुआ, हर परिवार को शौचालय उपलब्ध करवा दिया गया, स्वच्छता के प्रति हर व्यक्ति जागरूक हो गया। और उसका परिणाम क्या रहा कि इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से जो मौतें यहां पर हर वर्ष होती थी, आज वह एकदम न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में बच्चों की जाने अब बच रही है, बीमारी गायब हो चुकी है। ये आप सबके परिश्रम और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है कि अगर आप कार्य करते हैं तो परिणाम कैसे सामने आते हैं। आपके कार्य को कभी भी इस रूप में रेखांकित करने का प्रयास नहीं हुआ। सफाई पहले भी करते रहे होंगे, कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, लेकिन उसको कभी प्रमाण पत्र नहीं मिला। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो उसको प्रमाणित भी करती हैं कि हां, इसका परिणाम ये है और इस परिणाम के फलस्वरूप इन सब का अभिनंदन कराया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमने इस पे सफलता प्राप्त की है और उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और नहीं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एक समय बीमारियों का गढ़ बन चुका था।
यहां पर लोग घबराते थे आने के लिए, या तो मलेरिया से या दिमागी बुखार से, और फिर एक समय डेंगू ने भी यहां पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। एक तरफ माफिया का कहर और दूसरी तरफ मच्छरों के कारण और गंदगी के कारण अव्यवस्था। लेकिन आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, ये सभी जनपद इनसे मुक्त होकर के विकास की एक नई कहानी लिखते जा रहे हैं, और विकास की उस नई कहानी को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ये जो समय है, आपने देखा होगा कि 15 दिनों तक लगातार बारिश पड़ी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी। हर नदी अपने खतरे के लेवल से 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर ऊपर बह रही है। समय से बाढ़ के बचाव के उपाय करने के कारण नगरीय क्षेत्र बचे बाढ़ की चपेट में आने से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तटबंधों को भी ओवरफ्लो करते हुए नदी बह रही है। गोरखपुर में 304 गांव बाढ़ की चपेट में, उन सभी गांवों में राहत सामग्री, बचाव और राहत के कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के कार्य हो रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है, लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम महानगर के वासियों को भुगतना पड़ा। जब नदी ओवरफ्लो होगी तो सभी रेगुलेटर बंद करने पड़ेंगे। रेगुलेटर बंद हुए, पंपिंग स्टेशन की अपनी सीमित क्षमता होती है, और उसका परिणाम क्या है, महानगर के भी तमाम क्षेत्रों में भीषण जल जमाव हो गया है। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों की एक टीम बनाई गई है जो नगर निगम के अंदर जल जमाव की भीषण समस्या का तत्काल समाधान निकाले, अतिरिक्त पंपिंग सेट निकाल कर लगाकर अस्थायी व्यवस्था और फिर अस्थायी व्यवस्था करना, जिससे कहीं भी जल जमाव न हो, क्योंकि जल जमाव ज्यादा दिनों तक होगा तो यह भी बीमारी का कारण बनेगा। यह जल जमाव तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा, इससे मलेरिया भी फैल सकता है, कालाजार भी फैल सकता है, चिकनगुनिया भी फैल सकता है, डेंगू भी फैल सकता है, और इसके कारण तमाम प्रकार से डायरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले तीनों विभाग मिलकर के इस योजना को, जिन्हें विगत दिनों कार्य सौंपा गया है, इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा करके जल जमाव से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करें, जिससे कहीं भी कोई जल जमाव की संभावना आने वाले समय में न बने। ये पूरे महानगर के लिए, नगरीय क्षेत्रों में जो नए मोहल्ले आए हैं उन मोहल्लों के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था बना करके उसको तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, यह व्यवस्था करना कि विकास का कार्य कोई भी हो, कोई सड़क बने, उस सड़क के साथ जल निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। अधूरा कार्य नहीं, हम सड़क बना देते हैं, नाली छोड़ देते हैं, और उसके बाद वही पानी फिर मोहल्ले का इकट्ठा होकर के जब बहने लगता है, सड़क पे बहने लगता है, कहां चलते वही सड़क टूट जाती है, फिर लोगों के सामने वही नाली की स्थिति पैदा होती है, इसको ही बचाना पड़ेगा। तीसरा, स्वच्छता कर्मी तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ स्थानीय स्तर पर, जैसे कोरोना कालखंड में पार्षदों के नेतृत्व में हर मोहल्ले में निगरानी समिति बनी थी, ऐसे ही हर वार्ड में समितियां गठित करके, स्वच्छता समितियों का गठन करके, मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन करके हर नागरिक को इस अभियान के साथ जोड़ा जाए कि घर का कूड़ा नाली में न फेंके, सड़क पे न फेंके, घर के पास कूड़ादान रखो और उस कूड़ा को वहां से निकाल करके फिर सीधे नगर निगम की गाड़ी आए और उस कूड़ेदान से कूड़ा ले जा करके स्वच्छता के इस अभियान को और मजबूती से आगे बढ़ा सके। देखते रहिए डीवी भारती समाचार।
नजर हर खबर पर।